जा रहे हैं वैष्णो माता। अभी हम कर रहे हैं फिलहाल खरड़ बस स्टैंड पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैष्णो माता जाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बसेज हैं। आप बसेज की टिकट बुक कर सकते हैं पेटीएम पे या रेड बस पे जाके। तो टिकट की प्राइस वेरी करती है, अकॉर्डिंगली आप चेक करके जा सकते हैं। अभी हमने बुक कराई है मूनलाइट ट्रेवल्स की बस। तो आप देख सकते हैं अभी हम बस खड़े हैं, 10 बजे की हमारी बस है। अभी हम 10 बजे बैठेंगे और सुबह पहुँच जाएंगे हम 5 बजे तक। तो अगर बस का व्यू आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। जय हिंद। दोस्तों बस में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के हमारे बस के ड्राइवर ये आप देख सकते हैं जो पीछे बैठे हैं। हेलो कह दो। आप देख सकते हैं बस कैसी है, ये बस के अंदर का व्यू है। तो अभी हम पूरी रात इसमें काटेंगे 12 घंटे। कोई नंबर बैठ गए, अगली बार आपको मिलेंगे सुबह। तो हम आपको सुबह मिलेंगे, अभी आपको अंदर बोगी के अंदर का कैबिन भी दिखाएंगे, बाकी हम सुबह मिलेंगे। OPST है है। दोस्तों जैसे क्या देख सकते हैं हमारे कैबिन, ये हमारी बस है, स्लीपर बस है हमारी। ये हमारा अंदर का कैबिन है, देख सकते हैं ये हमारा अंदर का कैबिन है। अब देख सकते हैं कि बहुत मजा आने वाला है हमारी। ये हमारी बाहर का व्यू है। भैया अपना चेक करिएगा जरा, मैसेज आया ना आप पे। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने स्टॉप पर। अभी हम जम्मू के बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं। आँखों में नींद का नशा है, माता से मिलने की चाहत। हम चले अपने दोस्त के घर, फिर मिलते हैं। जय माता। जैसे कि हमारे घर जाते हुए चल पांडे आप बोल, जोर से बोल, बोलो हमारी बस जाती है, वो हमारी बस जा रही है, हमारी बस चलेगी। हम अपने दोस्त का इंतजार करें, पता नहीं वो कहाँ पे है। आधी रात को खड़े हैं यहाँ पे, आधी रात के हमसे सुबह सुबह बोल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी 5 बज रही है और मेन सड़क पे खड़े हैं हम। ये पांडे 4-2 डिग्री का टेम्परेचर और दोस्त का इंतजार। ये है सोता उठल, मैं भी आऊंगा, पकड़ो फोन।
हाय दोस्तों, देखिए अभी ये तो एक और सेम आ गई है, जिम्मेदार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह आपकी बसेज आती रहेंगी। हम यहाँ पे सड़कों पे खड़े रहते रहेंगे। अभी मेरे बीच में भी घुस रहा है। अभी हमारे दोस्त पता नहीं कब आएगा, तो आप यहाँ से सीधा कटरा जाएंगे, जम्मू नहीं उतरेंगे, वहां जाके होटल लेंगे अपना। अब हमारी तरफ और इतना ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ ही आपका फोन बंद हो जाएगा। हमारे दोनों सिम बंद हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से किसी से फोन लेके कॉल किया है। तो अपना ध्यान जरूर रखे, एक एक्स्ट्रा सिम या किसी तरह का जुगाड़ साथ में लेकर चले। धन्यवाद। शुरू हो गया। तो दोस्तों देखो, ये हमारा मोटा हमको लेने आ चुका है। ये हमारी गाड़ी आ गई है, अपना सामान लोड कर रहे हैं सुबह ठंड में। ये हमारा मोटा, ये देख सकते इधर इधर बेइज्जती मत करा। अभी बहुत इसके घर जाएंगे, हम आराम करेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद हम ऊपर के लिए निकलेंगे चढ़ाई करने के लिए। तो देख सकते हैं, अभी हम चलते हैं, अगली बार आपको मिलेंगे पहाड़ों पे। तो दोस्तों अभी हम जम्मू से जा रहे हैं कटरा के लिए। यहाँ पे हमको बस से जाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हमको जम्मू से कटरा तक बस के लिए बस से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके हम चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी इस वक्त हम जम्मू बस स्टैंड पे हैं। हमारा कोई भी सिम यहाँ पे नहीं चल रहा है, क्योंकि हम जम्मू में हैं, तो हमारा कोई भी सिम नहीं चल रहा है। इस वजह से हम किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त अभी बस में बैठे हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद बस चलेगी हमारी, फिर हम पहुँचेंगे।
जय माता दी, ज्यादा जोर लगा लो जय माता दी, तेरा वाले को बना लो जय माता दी, ओ माटी याई को निराले आ, सर को जो काले सीरा वाले को बना लो, सर चंग वाले चल के दोस्तों। अभी हम रुके हैं रास्ते में कटरा जाते हुए चाय पीने के लिए। रास्ते में आप देख सकते हैं यहाँ पे गायें, ये गायों की फ़ोटो खींच रहा है हमारा इंसान। इसको लोगों से ज़्यादा गायों से प्यार है। ये देखिए यहाँ की गाय का साइज़ थोड़ा काफ़ी छोटा है। ये हमारी बस है, देख सकते हैं आप पीछे। यहाँ पे सारा पहाड़ी इलाका है, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए, ये हैं पांडे, गमछा लेके मूत रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। इस समय हमें कटरा बस स्टैंड पे फाइनली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कटरा बस स्टैंड पे हम इस वक्त हैं। और आप पीछे हमारा बस स्टैंड।
अभी हम जा रहे हैं पहाड़ी की ओर चढ़ाई करने के लिए। आप देख सकते हैं सारा व्यू। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है। अभी हम सोडा पी रहे हैं, ये रहे हमारे बंदे सोडा पीते हुए। ये अभी हम चढ़ाई की मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने मेन गेट है चढ़ाई का। अभी हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं हम लाइन में लग चुके हैं। ये आज लाइन है यहाँ पे, आज भीड़ कम है थोड़ी सी। जब ये यहाँ पे भीड़ होती है तो ये पीछे दूर तक पूरी सड़क तक भर जाता है, एंड तक जहाँ से अभी हम आए हैं। अभी देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम घुसेंगे, ये लाइन लगी हुई है। अभी हम यहाँ पे बैग और टिकट्स दिखाने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको टिकट्स कटवानी पड़ती हैं, यात्रा टिकट्स। अभी वही दिखाने के लिए हम लाइन में खड़े हैं, उसके बाद बैग जमा कराएंगे और अंदर जाएंगे। उनको देखे आइए। तो ये आज की हमारी टिकट्स। जाने से पहले इसको जरूर इशू करा ले, नहीं तो आप जा नहीं पाएंगे, अपना लगेज नहीं जमा करा पाएंगे। यहाँ से आप लोग घोड़े इशू करा सकते हैं ऊपर जाने के लिए। 1200 रुपए पर घोड़े का रेट है एक साइड का, तो आपको टोटल पड़ता है 2500 रुपए अप डाउन का। 1250 रेट है एक साइड का। अच्छा
अक्षय कुमार जो भी बिल्कुल पीछे तो आ रहे थे, फोन पकड़ के आता रहे हाथ में। क्या सोचे तो दोस्तों, अभी हम आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, तीन से चार किलोमीटर बचा है। हम सीढ़ियों से जा रहे थे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। प्लेन रास्ता इससे ज्यादा कम है, आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, पीछे का व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोग, आप प्लेन रास्ते से जाना प्रेफर करें, सीढ़ियाँ सिर्फ हिम्मत वाले लोग जाएं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, हमारे सभी साथियों की हिम्मत टूट चुकी है, सब खत्म हो चुके हैं, तो सीढ़ियों से जाना प्रेफर ना करें। अगर आपको बहुत जल्दी दरबार में जाना है तो ही प्रेफर करें। ज्यादा चुल्ल मत करो, ये कम से कम ना ना करते हुए 1400 1500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है। सो अभी हम ऊपर जाके ऊपर का व्यू दिखाएंगे, तब तक के लिए जय माता दी। आप देख सकते हैं हम सीढ़ियों से आए हैं, इतनी ऊंचाई हम तय कर चुके हैं। 900 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राम जी की हालत देखिए क्या है, ऊंचाई माता की, जूते उतार के बैठे, खत्म हो चुके हैं। सब लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं, इसे चढ़ जाते हैं। पीछे का व्यू देख सकते हैं, कितनी चढ़ाई पे, कितनी चढ़ाई है, सारा व्यू देख सकते हैं। अभी भी 3 से 4 किलोमीटर और बचा है, जाएंगे हम हिम्मत से, आपको ऊपर का दर्शन जरूर कराएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए। जय माता दी, 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 जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मैनू नहीं सुनिया, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जयकारा है शेरावाली, बोल सच्चे दरबार की जय। जैसे कि आप देख चुके हैं, हम अप्रोक्सीमेट 1400 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप, सीढ़ियों की संख्या भी लिखी हुई है, देख सकते हैं जो दिल्ली से दर्शन के लिए हाइट में, देख सकते हैं अभी इसके बाद और सीढ़ियां, अभी 115 सीढ़ियां और बची हैं और फाइनली हम पहुंच जाएंगे। आप हाइट देख सकते हैं कितनी है, आपको राम जी लगा दो बोल सच्चे दरबार की जय। तो हाय दोस्तों, अब हम फिर भवन से 3 किलोमीटर और दूर हैं,
अभी तक हम सिर्फ 10 किलोमीटर आए हैं, लेकिन ये चढ़ाई बस हो चुकी है। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप अपने घर वालों के साथ हैं तो चढ़ाई ना करें, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ चढ़ाई करें, या अगर आप सारे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो चढ़ाई करें। अदरवाइज़ घोड़े और हेलीकॉप्टर की सुविधा मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अभी सिर्फ हम 10 किलोमीटर चढ़े हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आप पीछे देख सकते हैं हाइट। ये देखिए, ज़मीन पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा मौजूद है पीछे, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी हाइट पे। बहुत ही मुश्किल रास्ता है। सो गाइस, हम फाइनली अब ऊपर पहुंच चुके हैं, 14 किलोमीटर रास्ता तय करके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यात्रा पर्ची लेनी है, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका लगेज और वो सब नहीं ले आएगा, वो आपकी एक आइडेंटिटी है। तो ये पीछे काउंटर है, वो पीछे काउंटर है यात्रा पर्ची का। आपको इस जगह से यात्रा पर्ची लेनी है। हमने अपना सफ़र पूरा कर लिया है, बस अब यात्रा पर्ची ले रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद हम भवन की लाइन में लगेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल भवन के पास है, बस अब लाइन में लगने वाले हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे इस वक्त, अभी हम थोड़ी देर लाइन में लगेंगे। पूछ लेना देख सकते हैं, यू कैन सी डूड। ये ऊपर जाने के लिए भैरव बाबा के पास चेयर का, टेक्स्ट मैसेज चलेंगे उनको, सिम ही बंद है सारे। तो दोस्तों, हम दर्शन करके आ चुके हैं माता के। फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बेल्ट और लेदर का कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकते, इस वजह से आपको अंदर का दर्शन तो नहीं करा पाएंगे। यहाँ के बाद आपको आपका सारा सामान लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। यू कैन सी दिस प्लेस।
ये हमारे जो पीछे है ये लाइन जा रही है मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहाँ से मंदिर करीबन पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम कुछ खाएंगे और पियेंगे, आपको खाने के दर्शन भी कराएंगे। आ जाओ सारे एक बार, आ जा। वीडियो बना रहा है, फोटो खींच रहा है, तो फोटो खींच एक। अभी हम सब खाना खा रहे हैं। अब ऑर्डर हो गया, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, और ये हमारा टेबल है, यहाँ बैठेंगे आज। ये मंदिर से मिला हुआ प्रसाद। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे लजीज, डोसा और छोले भटूरे ऑर्डर करें। ये देखिए इसके चेहरे पे गंभीरता। खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे, सुना है सर, बाद में बताएंगे रिव्यू। और खाने की सुविधा ऊपर भवन में ही काफ़ी अच्छी है, तो नीचे कुछ ना खाना प्रेफर करें, ऊपर भवन में दर्शन करने के बाद खाएं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं खाना खाने के लिए। अभी हमने खाना वाना खा लिया है, खाना खा के अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। समय करीबन हुआ है 7 बज रहे हैं। हमने 4 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी ऊपर तक की। अभी हम खाना वाना खा के दर्शन करके 7 बजे यहाँ से चल रहे हैं और तकरीबन 10 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे। तो अब आपको सीधा नीचे जाके ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे।
चल आजा, तू भी आजा, मुझे नहीं आजा, देखना भैया। तो हाय दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग बैक टू चंडीगढ़। पांडे का कल पेपर है पढ़ते हुए, ये राजू। सो वी एंडेड विद अ ट्रिप। अब हम ट्रेन से सीधा जा रहे हैं वापस अपने घर।